वेलकम बैक दोस्तों। तो ये हमारा 16th वीडियो है हमारी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज का, और आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि हमारे प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से हमारा जो स्टेटमेंट्स है फ्लो होते हैं, या हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपके मेनली 4 टाइप से आपका फ्लो हो सकता है। एक तो है सीक्वेंस, या इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगले होते हैं आपके कंडीशनल, या इसको सेलेक्शन भी बोला जाता है, जब आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी हो और उसके बेस पे आप कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करा रहे हैं। अगला है आपका इटरेशंस, इटरेशंस को लूप्स भी कहा जाता है, और लास्ट है आपके जंपिंग स्टेटमेंट्स, जंपिंग स्टेटमेंट्स जो आपके जंप करने में काम आएंगे प्रोग्राम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस क्या होते हैं। मान लीजिए, अब यहां पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैंने सीधा यहां पे लिख दिया void main। अब यहां पे कैपिटल में है क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया है तो आदत हो गई है, तो कैपिटल में है, तो आपको क्या करना है, हर चीज लोअर केस में ही लिखनी है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो void main, अब देखिए यहां पे अगर मैं सीक्वेंस में, अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है वो एक सीक्वेंस में, मतलब पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर तीसरा स्टेटमेंट, फिर चौथा स्टेटमेंट, एंड सो एंड सो। ये आपका क्या है, ये आपका है स्टेप बाय स्टेप, या सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप। जैसे बुक्स में पन्ने रखे होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, तो वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अगला है आपका सिलेक्शन, सिलेक्शन में आपके कुछ यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मेनली आपके यहाँ पे हैं 2 स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एंड आपका स्विच। इसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, इफ के कितने पार्ट, इफ सिंपल इफ, वो सब हम कवर करेंगे। इसमें आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन के अंदर आपका, हमने यहाँ पे लिख दिया इफ और कुछ स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स कब प्रिंट होते हैं, जब एक कंडीशन सही होती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपका ओवरव्यू है कि आपको अगली कुछ वीडियोज में क्या पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, इफ एल्स, स्विच में भी आपका सेम, जिसमें एक सिंगल कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी चेक होती है, लूप्स या इटरेशंस, ये आपके क्या होते हैं, जब आप किसी भी फंक्शन में, अब देखिए धीरे धीरे मैं यहाँ पे लेवल को थोड़ा सा राइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेन फंक्शन है लेकिन फंक्शन कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन के अंदर या मेन फंक्शन के ही अंदर जब आपने कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, जैसे हम गाने सुनते हैं एक लूप में गाने सुनते हैं, मतलब सेम गाने को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम है। हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं इस स्टेटमेंट के बाहर से, कोई भी लूप, बोले आपका वाइल हो, डू वाइल हो, फॉर हो, कोई भी लूप हो, उससे हम इन स्टेटमेंट्स को बार बार चलाएंगे, तो वो आपके क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। अगले आपके क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट्स, जो आपके कंडीशनली या अनकंडीशनली आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कहीं और ट्रांसफर करेंगे। जैसे आपका इसमें गो टू स्टेटमेंट है, आपका इसमें एग्जिट है, आपका इसमें ब्रेक है, आपका इसमें रिटर्न है, तो ये सब क्या है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपके यूज होते हैं प्रोग्राम में जंपिंग के लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, कंडीशनल जिस किसी कंडीशन के बेस पे, इटरेशंस जो आपके लूप्स भी जिनको कहा जाता है, जिसमें लूपिंग होगी, बार बार सेम कोड को रिपीट किया जाएगा, और जंपिंग स्टेटमेंट जो आपके कंट्रोल फ्लो को एक जगह से दूसरे जगह जंप करवाएंगे। तो ये आपको चारों यहाँ पे, ये तो हमारा कवर हो चुका है, अभी तक हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ही काम चल रहा था। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं आपके कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, जिसमें कि आपका इफ एल्स एंड स्विच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो कि होगा वीडियो नंबर 17।